हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस नेटवर्किंग। और एडवांस नेटवर्किंग का जो चैप्टर है वो है आज का हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। तो ये क्या होता है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। तो नेटवर्क मतलब क्या होता है, जब वन या उससे ज़्यादा मतलब टू और मोर, मतलब नेटवर्क मतलब क्या होता है, टू और मोर जब डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होने के बाद जब डेटा को एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे देखिए ये सब क्या है, इनको हम बोलते हैं नेटवर्क, और इसके बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, तो इस नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्किंग मतलब कब हुआ था। ठीक है, तो चलो हम उसके बारे में जानते हैं। तो आइडिया ऑफ आरपा, आरपा आपने सुना होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, एक एजेंसी है, इसने सबसे पहले दुनिया का पहला नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया था। 1960 की बात है, जब मेन फ्रेम कंप्यूटर ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते थे और सारे कंप्यूटर स्टैंड अलोन थे, इंडिविजुअली यूज़ करते थे। ठीक है, उस समय क्या होता था, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जो थे उनके कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। उस समय फिर आरपा ने एक अपना आइडिया कंप्यूटर ऑफ एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको मशीनरीज, इनको अपना आइडिया शेयर किया। इसने कहा कि मैं ये सारे कंप्यूटरों के बीच में कनेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, बट उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने आरपा को फंडिंग की और आरपा ने अपना पहला प्रेजेंटेशन 1967 को ये ARPANET नेटवर्क के लिए एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग एंड मशीनरीज के सामने दिया। ठीक है, और उसने एक स्मॉल नेटवर्क डिज़ाइन किया और उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए उसने एक IMP नाम का डिवाइस यूज़ किया, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, ऐसा डिवाइस यूज़ किया। और 1969 को उसने अपना पहला नेटवर्क डिज़ाइन करके प्रेजेंट किया। और वो नेटवर्क कैसा था, नेटवर्क इस तरीके से जैसे डायग्राम में मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। यहाँ पर उसने क्या किया कि चार जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके कंप्यूटर को लिया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलस, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सांता बारबरा एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI एंड यूनिवर्सिटी ऑफ UTAH। ठीक है, इन चारों यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लेके दुनिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट आरपा ने बनाया और उसका नाम क्या रखा, ARPANET। ठीक है, 1969 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। ठीक है, जैसे ये प्रोजेक्ट बना, तो जब प्रोजेक्ट बना तो प्रोजेक्ट के अंदर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी थे। जैसे प्रॉब्लम ये थे, फ्लो कंट्रोल का प्रॉब्लम था और साथ में इसमें मोनोपोली भी थी कि सेम ही टाइप के जो डिवाइसेस है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे थे। और फ्लो कंट्रोल मतलब अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है और किसी की स्पीड अगर लो है तो उसके बीच में प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए फिर आगे में जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल जब डेवलप हुआ, उसके बाद में 1983 और 84 के बीच में OSI लेयर मॉडल को भी बनाया गया। चलो, तो वो हम लोग लेटर ऑन देखते हैं, पर अभी हम समझते हैं कि नेटवर्क मतलब क्या होता है। नेटवर्क का कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड एज नेटवर्क। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। जैसे देखिए ये लैपटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है, प्रिंटर दिख रहा है, यहाँ पर भी प्रिंटर दिख रहा है, मोबाइल है, यहाँ पर एक डेस्कटॉप दिख रहा है, ये राउटर है, ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसको बोला जाता है नेटवर्क। ठीक है, पर जब ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग कंसेप्ट, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग। जैसे देखिए यहाँ पर नेटवर्क स्विच लगा हुआ है, इधर में कंप्यूटर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे छः कंप्यूटर यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके बीच में डेटा एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है, यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है, इधर से डेटा यहाँ पर आ रहा है, डेटा इधर जा रहा है। तो जब डेटा कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ये तो हो गया नेटवर्क और नेटवर्किंग, बट वैसे ही और भी एक होता है इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क मतलब क्या होता है, इंटरनेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। जब एक नेटवर्क और एक दूसरा एक नेटवर्क जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेटवर्क। मान लो आपके ऑफिस नागपुर में है, एक आपका पुणे में है, तो अगर ये दोनों ऑफिसेज आपके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इसके लिए भी हमको कुछ
इसके लिए भी हम लोग कुछ कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ISP का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम लोग इन नेटवर्क को जोड़ते हैं, ठीक है। तब इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। तो इसके बारे में फुल टू हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटरनेटवर्क एंड इंटरनेटवर्किंग के बारे में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल लेवल पर बता दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्किंग क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।